नमस्कार। आज हम चौथे अध्याय का दूसरा श्लोक लेंगे। तीसरे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को कर्मयोग के बारे में बताया और ये भी बताया कि कर्मयोग का यह योग मैंने सबसे पहले सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को कहा और मनु ने इक्ष्वाकु से कहा। इसके बाद क्या हुआ ये श्लोक में बताते हैं। श्लोक इस तरह से है, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुह स कालेनेह महता योगो नष्टः परम तपः। अब एक एक शब्द को देख लेते हैं। एवं परंपरा प्राप्तम इमम, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस कर्मयोग को, दिस साइंस दस रिसीव्ड बाय डिसिप्लिक सक्सेशन, राजर्षयो विदु, राज ऋषियों ने जाना, अंडरस्टूड बाय द सेंटली किंग्स, राजा और ऋषि जो दोनों थे, सह वह दैट नॉलेज काले नेह महता, बहुत समय बीतने के कारण है, इन द लॉन्ग कोर्स ऑफ टाइम, इह इस मनुष्य लोक में, इन दिस वर्ल्ड क्या हुआ, योगो नष्ट है, योग नष्ट हो गया, दिस योगा लॉस्ट साइट, परम तप, हे परम तप, परम तप का मतलब शत्रुओं को तपाने वाला, ओ स्कॉर्चर ऑफ एनिमीज। इन भावार्थ हम ले संक्षेप में तो यह है कि इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना, किंतु उसके बाद यह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में तकरीबन लुप्त हो गया। इंग्लिश में हैंडेड डाउन दिस वे इन द ऑर्डर ऑफ सक्सेशन द सेंटली रॉयल मैजेस्टीज न्यू इट, बट ओ स्कॉर्चर ऑफ फोज बाय द लॉन्ग पैसेज ऑफ टाइम, दिस साइंस ऑफ योगा लॉस्ट साइट, सूर्य मनु इक्ष्वाकु आदि राजाओं ने कर्मयोग को भली भांति जाना, उसका स्वयं आचरण किया और प्रजा से भी वैसा ही करवाया। इस प्रकार राजर्षियों में इस कर्मयोग की परंपरा चली। प्राचीन काल में कर्मयोग को जानने वाले राजा लोग राज्य के लोगों में आसक्त हुए बिना सुचारू रूप से राज्य का संचालन किया करते थे। सूर्यवंशी राजाओं के विषय में महाकवि कालिदास अपने रघुवंश महाकाव्य में लिखते हैं, बहुत पुरानी बात नहीं है, 2000 साल पहले तक कालिदास कहते हैं, प्रजानामेव भूत्यर्थम सह ताभ्यो बलिम अग्रहीत सहस्त्र गुणम उत्सर्तम आद्यते ही रसम रवि। बहुत बेहतरीन उपमा दी है कि राजा क्या करते थे। ये राजा लोग
अपनी प्रजा के हित के लिए लोगों से उसी प्रकार कर लिया करते थे जिस प्रकार सहस्त्र गुना बनाकर बरसाने के लिए ही सूर्य पृथ्वी से जल लिया करते हैं, यानी सूर्य समुद्रों से जल सोखता है लेकिन उसे चारों तरफ बरसात के रूप में बांट देता है बढ़ा करके, ऐसे ही राजा करते थे। इसलिए योग चलता रहा। राजा लोग अपने स्वार्थ में खर्च नहीं करते थे और अपने जीवन निर्वाह के लिए अलग से खेती का काम करवाते थे। कर्मयोग का पालन करने के कारण ही इन राजाओं को विलक्षण ज्ञान और भक्ति स्वतः प्राप्त थी। यही कारण था कि प्राचीन काल में बड़े बड़े ऋषि भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए राजाओं के पास जाया करते थे। वेदव्यास जी के पुत्र सुखदेव जी ज्ञान प्राप्ति के लिए राजा जनक के दरबार में आए थे। आगे श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि त्रेता युग में तो कर्मयोग की परंपरा चली, परंतु बाद में इसमें थोड़ा बदलाव आ गया। राजाओं में और लोगों में संसार की सेवा करने की बजाय अपनी सेवा करने का भाव आ गया, इसलिए ये योग लुप्त हो गया। अगर बारीकी से देखें तो कर्म योग में कर्म लुप्त नहीं हुआ है, योग लुप्त हुआ है, क्योंकि कर्मों का प्रवाह संसार की तरफ न रहकर अपनी तरफ हो गया है। मनुष्य शरीर कर्मयोग का पालन करने के लिए अर्थात दूसरों की निस्वार्थ सेवा करने के लिए ही मिला है, लेकिन वर्तमान कलयुग में मनुष्य रात दिन अपनी सुख सुविधा सम्मान और शक्ति की प्राप्ति में लगा हुआ है। यह स्वार्थ की स्थिति है और स्वार्थ के बढ़ जाने के कारण परमार्थ की तरफ कम लोगों का ध्यान है। यदि कर्मयोग का सिद्धांत मानकर सभी लोग दूसरों की सेवा में अपना जीवन लगाएं तो सबकी सेवा हो जाएगी और कुछ व्यक्ति समृद्ध और शक्तिशाली न होकर सभी व्यक्ति खुशहाल होंगे। यही एक सुंदर संसार का स्वप्न है। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।